हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टी फूड एंड फूडी। आज हम बनाएंगे भरमा करेला। कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगी फ्रेंड्स आपको कि आपका करेला बिल्कुल कड़वा नहीं बनेगा और अचारी फ्लेवर के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने सभी करेलों को कट लगा लिया है और बिल्कुल हल्का सा इसे छील लिया है, ज़्यादा नहीं छीलना है इसे। इस तरह से नमक लगाने के बाद इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, अब इसे 2 घंटे हो चुके, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया और हाथों में दबाकर बिल्कुल इसे निचोड़ लिया है और इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। पैन में सरसों का तेल लिया है। तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा लेंगे क्योंकि हमें करेले को फ्राई करना है। फ्रेंड्स, नमक लगाने से ये होता है कि करेले अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं और इसका कड़वापन निकल जाता है। और एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे आपके करेलों का कड़वापन बिल्कुल ही निकल जाता है। फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, करेले हमने इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा हाई फ्लेम ना हो, मीडियम फ्लेम हो, तभी हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से कुक हो जाए। बहुत ही टेस्टी टैंगी करेले बनेंगे फ्रेंड्स हमारे, और ये हर कोई खा लेगा क्योंकि बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। इस तरह से फ्रेंड्स इसे आप पलटते रहिए और इसे फ्राई करते रहिए। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ मैंने अदरक और लहसुन लिया है। जब तक हमारे करेले फ्राई होते हैं हम इसके लिए एक पेस्ट रेडी करते हैं। अदरक लहसुन डाल लिया है और मैं इसमें 3 प्याज काट कर डालूंगी। फ्रेंड्स, बहुत इजी मिनटों में बन जाएंगे, बिल्कुल झंझट नहीं होगा। बहुत इजी ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगी। और 3 टमाटर डाल लिए हैं, अब इसे अच्छे से ब्लेंड करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो करेले हैं वो फ्राई हो रहे हैं, और इसी तेल में जब ये फ्राई हो जाएं तब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तेल में ही मसाला बना लेंगे। तेल जो तेल की क्वांटिटी है वो कम कर देंगे। मसाले में तेल बहुत ही कम रखना है फ्रेंड्स, ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं और हमने इसमें तेल जो था वो सारा निकाल लिया है। अब हम इसी में मसाला अच्छे से भुनेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि तेल की मात्रा कम हो, क्योंकि हमने इसमें जो अचारी मसाला डालना है ना, तो थोड़ा सा तेल उसमें भी ऐड होगा। इस तरह से इसे अच्छे से पकाएं। जब आपके प्याज अच्छे से पानी सोख जाए और इसका तेल जो है वो अलग हो जाए इससे, तो इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। घर के नॉर्मल बेसिक मसाले ही ऐड करेंगे फ्रेंड्स इसमें। कुछ ऐसा ऐड करने के नहीं कहूँगी कि आपको मार्केट जाना पड़े। घर के नॉर्मल बेसिक मसाले, और एक ऐसा मसाला, इतना बढ़िया टैंगी मसाला जो आपकी किचन में हमेशा होता है, वही हमें इसमें ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर, और नमक की मात्रा थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि हमने करेलों में भी नमक लगाया था, और हल्दी और गर्म मसाला इसमें डालकर इसे अच्छे से भूनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि नमक की मात्रा कम रखें क्योंकि उसमें भी नमक हमारे ऑलरेडी है। अब फ्रेंड्स, हम इसमें क्या करना है, घर में कोई भी अचार का मसाला, मेरे घर में आम के अचार का मसाला था तो मैंने वो इसमें 2 चम्मच भर कर डाल लिए हैं ताकि इसमें अचारी फ्लेवर आए। अगर आपके पास कोई भी रेडीमेड मसाला है, कोई भी अचार है, उसका आप इसमें 2 चम्मच मसाले के ऐड कर दें। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक नींबू का जूस डाला है ताकि ये मसाला काफ़ी टैंगी बने और हमारे जो करेलों में थोड़ा सा कड़वापन जो रह भी गया है वो भी इससे खत्म हो जाएगा। इसी तरह की इजी ट्रिक को फॉलो करके आप अपने करेले की जो सब्जी है बहुत ही बढ़िया बना लेंगे फ्रेंड्स।
इसमें थोड़ी सी मैंने देगी मिर्च और कस्तूरी मेथी डाली है टू फ्लेवर के लिए। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, हमने स्पून की हेल्प से करेले में मसाला भरेंगे ताकि हमारे भरमा करेले रेडी हो जाए। बहुत ही बढ़िया रेसिपी फ्रेंड्स, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इस तरह से आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं आपके लिए इजी रेसिपी लेकर आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।